आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये डिजाइन को आप कैसे बना सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कवर करते जाऊंगा और इसका ब्रीफली प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और ये डिजाइन हम लोग फिग्मा में बनाएंगे। अगर आप फिग्मा नहीं जानते या आप बिगनर हो, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लो जो 20 मिनट का है, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा फिग्मा के बारे में। और इस डिजाइन को हम लोग 5 कैटेगराइज में डिवाइड करके रखेंगे, जो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ लाइक भी कर दो। सो लेट्स गो फॉर डिजाइन। सो ऑलराइट गाइस, हम फिग्मा में आ गए। इस डिजाइन का बहुत ब्रीफली हम लोग समझेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये मैं कलर पैलेट इसका बैली बना लिया हूँ। उसके साथ हम लोग जो बात कर रहे थे पांच पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, तो वो भी मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये पार्ट को करेंगे जो इसका अपर पार्ट है, जो मेन्यूज और कॉल टू एक्शन बटन रहता है। सेकेंड में हम लोग जो पार्ट करेंगे वो टाइटल एंड ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है ये वाला हम लोग करेंगे। थर्ड में हम लोग इसका बैकग्राउंड बनाएंगे, ये जो बैकग्राउंड है। और फोर्थ पार्ट में हम लोग ये करेंगे, ये एरिया, एरो एंड कार्ड एंड समथिंग। एंड फिफ्थ में हम लोग इसका ये इमेज, बॉडी इमेज जो है हम लोग, और जो लास्ट में इसका फाइनल इमेज इसका रखेंगे। सो ये 5 कैटेगरी में हम लोग का बढ़ जाएगा। तो चलिए हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फ्रेम चाहिए। फ्रेम के लिए आप जाना है यहाँ पे, ये आ गया आपका मैकबुक एयर में साइज लिया हूँ, तो आप भी ये साइज ले सकते हो, बस क्लिक कर देना आ जाएगा। और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करना है, थोड़ा देखो ये रेडियस है, इसका भी रेडियस थोड़ा कॉर्नर कर देते हैं, तो मैं अराउंड 10 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग को चाहिए ये अबाउट कलेक्शन सर्विस एंड ऑप्शंस। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आप टी प्रेस करो, टेक्स्ट टूल आ जाएगा, यहाँ पे टाइप कर दो जिससे मैं अबाउट चाहिए, अबाउट, ठीक है। और इसको मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल यहाँ से हो जाएगा, इसको प्रेस कर दो। और इसको मैं साइड रख देता हूँ पॉपिंस में। और मैं सोच रहा हूँ इसका जो साइज होना चाहिए 14 पिक्सल्स में होना चाहिए विथ मीडियम। ये पॉपिंस हुआ नहीं है, पॉपिंस, ठीक है, मीडियम। और हम लोग को चाहिए अब कलेक्शन सर्विस एंड ऑप्शंस, तो मैं इसी को पकड़ूंगा, अल्ट क्लिक करूंगा और शिफ्ट होल्ड करके इसको ड्रैग कर दोगे, डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को सेलेक्ट करना, अलाइन कर देना, और ये दोनों का जो स्पेसिंग है उसको मैं रख देता हूँ अराउंड 30, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं इसका जो इसका लेफ्ट साइड अलाइन है, तो ये लेफ्ट साइड से ही मूव करेगा उस साइड, तो इसका कर देते हैं कलेक्शंस, ठीक है। ये कलेक्शंस हो गया। अब हम लोग को चाहिए सर्विसेज। अगर एक स्टेप और आगे मैं बताता हूँ, ये दोनों को आप अगर कंट्रोल शिफ्ट ए कर दोगे तो ऑटो लेआउट हो जाएगा। तो अब सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ इसको क्लिक करना है, कंट्रोल डी कर देना, ऑटोमेटिक ये 30 जो 30 इसका स्पेसिंग है उसी हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग आना है सर्विसेज, ठीक है। ये सर्विसेज, एक सेकेंड, ये सर्विसेज हो गया। अब हम लोग को फिर से एक कंट्रोल डी कर दो, जो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शंस, ऑप्शंस, ये हम लोग का बन गया। और ऑटो लेआउट है तो वो हम लोग को फिर दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग को चाहिए एक सर्च आइकॉन। सर्च आइकॉन के लिए मैं आपको एक टूल बता देता हूँ, आइकॉन्स में जाना, प्लगइन्स में जाना, वहाँ पे एक आइकॉन स्कॉट नाम से एक होगा, उसको बस क्लिक कर देना। यहाँ पे आके सिर्फ सर्च करना है आपको, जैसे जो भी आइकॉन्स चाहिए, जैसे मेरे को अभी सर्च चाहिए, तो यहाँ पे सर्च लिख देता हूँ। तो मैं अभी ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको रख देते हैं, मैं इसको जाता हूँ। और इसके पीछे ना एक पैडिंग चाहिए, तो ये पैडिंग टाइप का, तो मैं इसको पैडिंग में कर देता हूँ। सबसे पहले इसको शिफ्ट ऑटो लेआउट कर देना, सबसे पहले इसको ग्रुप कर देना कंट्रोल जी करके, और उसके बाद शिफ्ट प्लस ए कर देना, ऑटो लेआउट हो जाएगा। और इसमें जो मैं कलर कोड लिया था, इधर ला लेता हूँ इसको, हम लोग का ब्लैक एंड वाइट में रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ, शिफ्टेड तो हो गया, सेंटर लाइन कर देना है। और इसका जो फिल सेक्शन है वहाँ पे जाना, क्लिक करना और यहाँ से चूज़ कर लेना, ठीक है। और इसका जो आइकॉन्स का कलर था उसको वाइट कर देना,
यहाँ जाके स्पेसिंग बढ़ा देना इसकी, जैसे मैं रख देता हूँ 10, और यहाँ से भी इसका आइट साइड से भी 10 कर देते हैं, और यहाँ जाके इसका कॉर्नर पूरा फुल सर्कल कर दो, तो ये हम लोग का सर्च आइकॉन बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको के प्रेस करके छोटा कर देता हूँ। दोनों सेलेक्ट करो, अलाइन कर दो और ऊपर कर दो। अरे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब भी आप डिज़ाइन बनाते हो तो उससे पहले इसका ग्रेड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस आना है और यार ये ऑटो ग्रेड बना देना, यहाँ सिर्फ क्लिक करना है, कॉलम में जाना, और जो भी अगर वेबसाइट बना रहे तो उसका 12 होता है काउंट, तो 12 कर देना। मार्जिन मैं लेता हूँ 50, तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे यहाँ का जो मार्जिन है उसको मैं 50 लेता हूँ, और गटर तो ठीक है 20 ये, और मैं इसको अलाइन कर देता हूँ यहाँ तक, हो गया। अब हम लोग का चाहिए इसका लोगो, लोगो तो यहीं से डाउनलोड ले लेता हूँ मैं भी, यहाँ के कंट्रोल वी कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, तो ये तुरंत अपनी जगह में आ जाएगा। सबको सेलेक्ट करना, अलाइन कर देना, ठीक है। और अपन लोग को चाहिए कॉन्टेक्ट अस, और ये इसका कॉल आइकॉन, कार्ड एंड बैग आइकॉन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, सिर्फ लो कॉन्टेक्ट अस लिख दो बस, ठीक है। इसको भी ऑटो लेआउट कर दो, इसका बैकग्राउंड कलर जो था हम लोग को जो लेना है वो बैकग्राउंड ले लेते हैं, और इसको कर देते हैं वाइट, ये हो गया। स्पेसिंग में 12 20 कर देता हूँ, और यहाँ से इसका कॉर्नर रेडियस कर देता हूँ, ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको कर देते हैं अपन यहाँ कॉन्टेक्ट अस। अब लोगों को चाहिए कॉल आइकॉन, कॉल आइकॉन को बताया था, आइकॉन्स में जाना, यहाँ पे लिख देना कॉल्स, तो एक कॉल आइकॉन आ जाएगा कॉल, और यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर लेना, जैसे जो भी आपको पसंद है, जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको छोटा छोटा कर देते हैं अपन, कंट्रोल जी कर देता हूँ, फिर ऑटो लेआउट करूँगा, और इसका कलर कर देता हूँ ये, और इसका जो फॉन्ट का कलर है उसको अपन वाइट, स्पेसिंग 20 20 दिए थे अपन, 20 20 दे रहे थे, रेडियस कॉर्नर, कॉर्नर उसका पूरा सर्कल में वो कर देना, ठीक है। ये हो गया अपना, यहाँ तक कॉल्स का भी हो गया। अब हम लोग का चाहिए कार्ड एंड बैक आइकॉन, कार्ड लेके आ जाना आप, इसको इस टाइप से नहीं करना है ना, इसको दूसरे टाइप से करना है, इसको हटाओ अभी, इसको मैं पहले कार्ड लिख देता हूँ कार्ड, और यहाँ से ना एक रिक्टेंगल लेना, क्योंकि हम लोग को वो भी डालना है इसके अंदर, और इसको यहाँ तक जोड़ देना, सर्कल को पूरा राउंड कर दो, कलर इसका ब्लैक ले लेना, इसको वाइट करना है, ये आ गया कार्ड अपना। और हम लोग को चाहिए बैग आइकॉन, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ बैग लिख देना है, तो बैग आइकॉन आ जाएगा बैग। तो ये वाला मैं सेलेक्ट करो, इसको बस क्लिक छोटा कर दो पहले, इसको मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ, यहाँ लाके ऊपर कर दो, सॉरी, इसको कंट्रोल जी कर दो, फिर ऑटो लेआउट कर दो, और यहाँ से 20 20 इसको वो दे देता हूँ स्पेसिंग, जिससे अपन कॉर्नर्स का कर, रेडियस करेंगे, और इसका फील मैं कर देता हूँ वाइट, और इसका जो आइकॉन अंदर का आइकॉन है उसको हम लोग कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और इसको कर देते हैं फुल राउंड,
ठीक है, ये सब हो गया हम लोग का, ठीक है, ये ग्रुप हो गया, ये और ये सबको सेलेक्ट कर लो, अलाइन कर दो, और एक स्पेसिंग में दे देता हूँ थोड़ा सा, इसको सेंटर में कर देना है, इसको थोड़ा यहाँ पे लाके इतना कर देना। ठीक है, ये हम लोग का सबसे पहला जो पार्ट था वो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, दूसरे पार्ट में काम करना है। दूसरा पार्ट क्या है इसका, टाइटल्स। टाइटल्स का भी बहुत इजी है, समझो मैं ये टेक्स्ट अभी ले लेता हूँ, आप ले लो, इसका फॉन्ट वही है, पॉपिंस है 56 इसका रखा हूँ, लेकिन ये मेरा साइज है मीडियम है, लेकिन ये जो मेरा है ये लाइट में है, 56 साइज है, लेकिन इसका कलर जो मैं लिया हूँ ये वाला कलर, बहुत ईजी है, तो इसको मैं यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ। और उसके बाद अब हम लोग काम करते हैं ये बैक वाले में, बैक वाला बनाना बहुत ईजी है, रिक्टेंगल लेना है, इस टाइप से इसका रिक्टेंगल बना देना, ठीक है, इसको अपला दो, बस एक रिक्टेंगल और लेना, जैसे इसी को अल्ट करके डुप्लीकेट कर दो, यहाँ रख देना इसको, यहाँ इतना समथिंग, ठीक है, फिर ये थोड़ा अपसाइड रहेगा और डाउन तक में इतना रहेगा, एक दो और एक ये वाला चाहिए, तो इसके लिए भी इसको भी अल्ट करके ड्रैग कर देता हूँ, और इसका पूरा -90, इसको 90 डिग्री कर देता हूँ, फ्लैट हो जाएगा, और इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ यहाँ तक, सपोज हम लोग यहाँ तक जोड़ देते हैं, ठीक है। अब सबको सेलेक्ट करना है, देखो ये वाला जो आइकॉन है ना, यूनियन, यूनियन का सेलेक्ट कर लेना, सब यूनियन हो जाएगा, सब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, फिर बस यहाँ से आके इसका राउंड कर देना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब मैं ये हटा के दिखाता हूँ, देखो कैसा दिख रहा है, बढ़िया है ना। अब हम लोग को बनाना है ये वाला, ये वाला बहुत ईजी है, इसी को लेके आओ इधर, और इसका एक नाम दे देता हूँ, समझो C45 सेम नाम दे देते हैं, और इसको मैं रख देता हूँ मीडियम से लाइट में, ये हो गया लाइट में, और ये इसको कर देता हूँ यहाँ था, इसका नाम क्या है, क्लासिक मॉडल, इसको ड्रैग करो, फिर छोटा करो, रीनेम करो, क्लासिक मॉडल, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ रेगुलर में विथ 50, इसका ओपेसिटी रख देता हूँ ये वाला, इसका ओपेसिटी ये रहेगा, ठीक है, और थोड़ा छोटा मैं कर देता हूँ इसको, ये होगा, और एक लाइन है, लाइन के बाद पैराग्राफ, लाइन के लिए एल एल प्रेस कर दो बस, यहाँ आ गया, और इसका एक ये बना देता हूँ, इसका भी ओपेसिटी 50%, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, पैराग्राफ भी बहुत ईजी है, बस इसे ऑल्ट करके कर देना, मैं अभी इसको ही कॉपी करके लगा देता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है, ये हम लोग का बन गया पैराग्राफ, कंट्रोल जी करके सब ग्रुप कर दो, ठीक है, ओके हो गया। अब हम लोग को अब क्या करना है, ये कार्ड वाला बनाना है, उससे पहले हम लोग बाइक रख देते हैं, जैसे बाइक को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाइक है नहीं मेरे पास, पहले ही बनाया था तो हो जाता है, अब कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन तुम देखो यहाँ पे मेरा कुछ कट रहा है ना, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ लेके आया, ठीक है, यहाँ कर दो, जैसे वाइट वाला है मेरा, तो एक रिक्टेंगल लेना आर प्रेस करके, और इसको छुपा देना, कलर यही वाला ले लेना, तो ये छुप जाएगा, मतलब पोर्टफोलियो के लिए आप ऐसा बना सकते हो, और अगर वेबसाइट बनाना है तो उसका भी अलग से एक क्राइटेरिया होता है, मैं थोड़ा देख के बताता हूँ, वो क्या, अगर सीधा रहेगा तो क्रॉप हो जाएगा, लेकिन साउंड में राउंड में रहता है तो क्रॉप नहीं हो पाता है। अब हम लोग को चाहिए ये रिव्यू सेक्शन, ये इमेज बहुत क्लियर, मैं बताता हूँ कैसा करना, यहाँ जाना, अवतार क्लिक करना, सर्च कर लेना अवतार्स, बस आ जाएगा, एक अवतार आ गया, एक और चाहिए, तीन चाहिए हम लोग को, तो एक बार और, दो हो गया, और एक बार और, तीन, ठीक है,
ये तीनों को सेलेक्ट कर लेना और यहाँ लेके आना, अलाइन कर देना, और यहाँ से भी एक अलाइन कर देना बस, और यहाँ से थोड़ा डिफरेंस कर देना, इसमें थोड़ा स्ट्रोक डाल देना आउटसाइड, वाइट स्ट्रोक विथ समथिंग 4, ठीक है। अब ये तीनों को सेलेक्ट करो, छोटा कर दो, यहाँ रख दो, थोड़ा स्पेसिंग, ओके। और जो लिखना है आपको यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे 5 लाख प्लस पॉजिटिव रिव्यू, पॉजिटिव रिव्यू, ठीक है, पॉजिटिव रिव्यू यहाँ रख दो उसको। और उसके बाद यहाँ जाके आप स्टार ले लेना, बस होल्ड शिफ्ट करना ही है, हो जाएगा। इसका थोड़ा राउंड कर देते हैं, और इसका कलर मैं बता देता हूँ, कलर ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, हाईलाइट रहेगा। अरे इसका तो कलर चेंज नहीं करें अपन, इसका थोड़ा ये वाला कलर चाहिए। ये जो यूनियन है उसका आई प्रेस करना, कलर पीका हो जाएगा, कलर ये वाला चूज करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो अपन स्टार बना, इसको डुप्लीकेट करते जाओ 5 बार, ये 1, 2, 3 एंड 4, सबको सेलेक्ट कर लेना और थोड़ा छोटा कर देना, कंट्रोल जी एंड देन प्रेस दिस। तो ये हम लोग का 5 स्टार हो गया। अब ये सबको ग्रुप कर दो और यहाँ मिडिल में इसको रख दो। अब हम लोग को बनाना है ये कार्ड वाला सेक्शन, बहुत इजी है। रिक्टेंगल लेना, कलर ये वाला चूज कर लेता हूँ, ऐसे रिक्टेंगल आउटसाइड जा रहा है, बन रहा है, ठीक है। इसको राउंड कर देना, और जो भी तुमको लिखना है, जैसे ये सब लिखे हैं, वाइट राउंड, देन कलर पिकअप है, फिर बाइक है। अभी इसको कॉपी करके बता दे रहा हूँ मैं, आप बहुत इजी कर सकते हो इसको, ये पेस्ट, और ये दोनों को अलाइन कर देना, कॉपी देन डू दिस लाइक दिस। और उसके बाद ये एक थोड़ा बैक साइड है, ये तो ये मैं तो ऐसे ही सिंपल बना दिया था, ड्रैग करके रख देना, ओपेसिटी 50 कर देना, और इसको पर इसके इसके पर, तो ये ऐसा टाइप का दिखेगा। थोड़ा छोटा भी कर दिया था मैं उसको, आप भी कर सकते हो। और इसके बाद तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है, इस टाइप का आप कर सकते हैं। और क्या बचा, ये एरो, ये एरो भी मैं यहीं से डाउनलोड कर रहा हूँ, आइकॉन्स स्कॉट में जाके बस एरो लिख दो, एरो आ जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर दो इसको, थोड़ा आप हो गया। तो हम लोग का सेम टू सेम डिज़ाइन बन गया बहुत क्विक टाइम में। तो मैं एकदम सिंपल आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कैसे आप बना सकते हो, और ये अट्रैक्टिव डिज़ाइन है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बनाओ बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से और वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत अमेजिंग और अच्छा पोर्टफोलियो बना के दिखाऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कैसा लगा ये वीडियो। एंड वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए मेरे इंस्टा चेक कर लो, और उसमें भी मैं बहुत टिप्स एंड ट्रिक फिग्मा के बारे में देता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो।